राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सुना है आपने लैंडस्केपिंग डिजाइन करते हैं। जी। हाँ जी, कैसे आया इस फील्ड में? वैसे तो बचपन से मुझे क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में वगैरह मैं बहुत सारे नेशनल लेवल में आर्ट्स, पेंटिंग, क्राफ्ट्स में बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह लिया मैंने। अरे वाह, वेरी गुड, तो कंग्रेचुलेशन नेचुरल फॉर दैट। नेचुरल इंस्टिंक्ट ही ऐसा ही था। मेरे मम्मी भी आर्टिस्ट है, मेरे बहन भी आर्टिस्ट है, मेरे भाई आर्टिस्ट है, मेरा मामा आर्टिस्ट है। मेरे मामा तो कार्टून्स वगैरह भी बनाते हैं, न्यूज़पेपर में जो लोग डालते हैं ना पॉलिटिक्स, इसके तो आप बारे में बोल सकते हैं ब्लड है, ब्लड में ही आर्टिस्ट का है। ब्लड है। वेरी गुड। और शुरुआत से आर्किटेक्चर में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बस अभी बेलगम में कॉलेजेस नहीं थे जिस टाइम को मैं 12th पास किया, तो हुबली में एक था जो उसी साल खुला हुआ था। तो उसी साल खुला था, इसके वजह से मैं थोड़ा डाउटफुल था वहाँ पे कैसा रहेगा कॉलेज वगैरह। तो बेसिकली मैंने सिर्फ बीकॉम ही किया है। तो क्या हम जान सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली लैंडस्केप इज? अभी लैंडस्केप जानना चाहते हैं या लैंडस्केपिंग जानना चाहते हैं? दोनों बता सकते हैं तो दोनों बताइए। लैंडस्केप मतलब आपको जो दिखता है वो सब कुछ लैंडस्केप है। मतलब आप जंगल में जाएंगे, जंगल का एक एरिया को देखेंगे तो वो इट इज नथिंग बट अ लैंडस्केप, और इट्स अ नेचुरल लैंडस्केप जो भगवान ने बनाया हुआ है। तो लैंडस्केपिंग अलग होता है इसका मतलब। तो राजेश जी, ये लैंडस्केपिंग क्या होता है एग्जैक्टली? लैंडस्केपिंग मतलब आप अपने क्लाइंट का या किसी का भी एक जो फिक्स जगह होता है जहाँ पे वो गार्डनिंग वगैरह कराना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग कराना चाहते हैं, तो दैट सिलेक्टेड एरिया आप पहले तो यूजेबल बनाओ। मतलब क्लाइंट के नीड के हिसाब से उनको क्या चाहिए क्या नहीं वो सब उसमें सेट करो। और दूसरा होता है कि इट शुड बी विजुअली अपीलिंग, मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट लैंडस्केप डिजाइनिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो माली का काम करते हैं, यानी कि गार्डन का जो माली होता है ना वो काम, एंड ये लैंडस्केपिंग, कैसा डिफरेंस होता है? एज ए कॉमन मैन आई एम जस्ट आस्किंग। ये कैसा है मालूम है, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो लैंडस्केप डिजाइनर को माली ही समझते हैं, एजुकेटेड माली समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या होता है, माली का काम होता है झाड़ लगाना, उनको मेंटेन करना उतना ही। अब उसको अपीलिंग मतलब जैसे आंखों को अच्छा लगना चाहिए, कौन से एरिया में क्या रहना चाहिए। और लैंडस्केपिंग मतलब सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, उसमें हार्डस्केपिंग भी आता है, सॉफ्टस्केपिंग भी आता है। और कौन सा चीज़ कहाँ पे रहना चाहिए इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और लोगों को ऐसे ही लगता है कि लैंडस्केपिंग के पास हम लोग, लैंडस्केपर के पास हम लोग अप्रोच करेंगे तो बहुत महंगा होगा, लाखों में बिल करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोगों को समझ में आता है वो लोग हायर करते हैं, बिकॉज दे नो द डिफरेंस। ओके, इट्स इन्वॉल्व दिस वास्तु आल्सो। इट इन्वॉल्व्स वास्तु ऑल्सो, यस डेफिनेटली। वेरी गुड। तो आप सिविल, या आपके पास कुछ टीम है, या एंटायर थिंग करते हैं आप सिविल वर्क भी, उसमें अगर आ गया तो बीच में क्या करते हैं आप? नहीं देखिए, कोई भी आर्किटेक्ट भी रहता है या सिविल इंजीनियर रहता है, कोई भी खुद अकेले में कुछ नहीं करता है। कॉन्सेप्ट उसका होता है, जब जब कोई क्लाइंट उसको अप्रोच करता है तो अपना कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो समझो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, ये मेरा ये फार्म हाउस बनाना है, फार्म हाउस में मुझे घर भी चाहिए, गार्डन भी चाहिए, कंपाउंड चाहिए, ये वो स्विमिंग पूल चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वी आर ऑल एसोसिएट्स। अब हमारे टीम में कैसा है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन आर्किटेक्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ सिविल इंजीनियर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ क्या बोलते स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अल्टीमेटली इट इज अ टीम वर्क। यस डेफिनेटली। ओके, तो आपको क्या लगता है आपका क्लाइंट बेस कहाँ पे, यानी कि कहाँ कहाँ करते हैं लैंडस्केपिंग, या कहाँ लगता है ये? लैंडस्केपिंग तो हर एक जगह पे लगता है। अब छोटा सा बालकनी गार्डन भी हो गया या फार्म हाउस हो गया, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग फार्म हाउस में डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप बनवा के लेते हैं। और मेरा ज़्यादातर काम इसमें रिजॉर्ट्स में चलता है, रिजॉर्ट्स में, रिजॉर्ट में गोवा में, चलता है। दांडेली में, कानकोण, कारवार, यामा, सी साइड। ओके, जो भी ये गोवा से या कहाँ रिसोर्ट से देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं मेरा तरफ से, मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को। तो दूसरी चीज़ होता है कि अभी और दूसरा आ गया, जैसा कि एक इंडिपेंडेंस हाउस है, छोटा सा या बड़ा सा, व्हाटएवर इट इज, या बंगलो हो, उसमें पेंट हाउस बनाना एक अभी ट्रेंड था। लेकिन अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो पेंट हाउस के साथ साथ गार्डनिंग भी आ गया, उसको क्या बोलते हैं, टॉप टेरिस टॉप, टॉप रूफ गार्डन, टॉप, टेरेस टॉप, बालकनी या जो भी है। वो भी बनाते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं ना।
ओके, जो अगर छोटा मोटा कोई इंडिपेंडेंट भी घर है तो भी बना सकते हैं छोटा सा जैसे। भी करके देंगे आप, 100 200 300 स्क्वायर फीट का भी कोई बालकनी है, 50 स्क्वायर फीट का भी है, वी विल डू इट। और आपको लगता रहेगा बहुत छोटा सा काम है, 10 20 हज़ार में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो जाता है, कम बजट में भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो नए एंथुजियास्ट रहते हैं, नए गार्डनर्स रहते हैं, वो लोग मिट्टी का पॉट में, मतलब पॉट में मिट्टी वगैरह डाल के वो लोग झाड़ लगा देते हैं, तो बालकनी का एक वेट बेयरिंग का एक ये रहता है, एक लेवल रहता कैपेसिटी है, रहता हाँ है। कैपेसिटी रहता है। अगर आप समझो एक छोटा सा बालकनी में 20 30 40 पॉट मिट्टी से भर के आप रख देंगे तो इट मे नॉट बी एबल टू बेयर दैट लोड, तो ओके, हमारा काम उधर आता है, तो हम लोग सॉइल मिक्सचर भी वो हिसाब से बनाते हैं जो लाइट वेट हो। और समझो कोई बीम आ रहा है और बीम के ऊपर हम लोग अगर थोड़ा सा वेट रख रहे हैं तो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, थोड़ा बहुत हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वहाँ पे हमारा प्रोफेशनलिज्म काम आता है। ओके। तो वास्तु के बात चल रहा था, तो वास्तु के साथ साथ वास्तु का जो पेड़ आता है आजकल, हाँ तो उसका भी आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली? जी, वास्तु इट इज़ वेरी वेरी हाई रेटेड, मतलब पेड़ों का ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें रहते हैं जैसे बैनियन ट्री, ये वो घर के कंपाउंड के अंदर नहीं लगाना, बिकॉज वो जिन बैनियन ट्री कैसा रहता है, जिंदगी भर बढ़ते रहता है, मतलब इट डज नॉट स्टॉप ग्रोइंग। बहुत सारे ऐसे पीपल का पेड़ हो गया, वो घर के बहुत नज़दीक लगाया ना तो आपका स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकता है, या फिर आपका नेबर्स का कंपाउंड तोड़ सकता है, बिल्डिंग तोड़ सकता है। देर आर सम रीजंस वी अवॉइड सच प्लांट्स। नो नो नो, वी हर्ड दैट क्या बोलते हैं कि अंदर का जो इंटरनल पेड़ जो रहते हैं, इंडोर 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 हाँ पेड़, उसमें भी कुछ वास्तु रहता है कि बाबा मनी प्लांट इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, इससे अच्छा होगा, उससे, ऐसा कुछ कंसेप्ट है तो समझाइए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, हाँ पहले बात मैं बोलता हूँ इंडोर गार्डन, ओके इंडोर इंडोर प्लांट्स। ओके। नेचर में कैसे, भगवान ने तो इंडोर प्लांट्स कभी बनाया नहीं, तो होता क्या इंडोर प्लांट्स? मान लीजिए आप जंगल में जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, पेड़ के नीचे जहाँ छाँव, मतलब कभी थोड़ा ओके फिल्टर्ड लाइट आता है, तो वहाँ पे भी नीचे भी छोटे छोटे झाड़ उगे रहते हैं। दोज आर नथिंग बट इंडोर प्लांट्स, मतलब जो छाँव में, विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आप लगाएंगे तो जल जाएगा। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ जो आप उगता है हाँ उसको हाँ बोलते हैं उसके हम शेड में इंडोर। जो उगता है दैट इज ओके नथिंग बट इंडोर प्लांट्स। ओके ओके। हाँ तो ये कैसा है, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज मोर सुटेबल। अगर आप बाहर धूप में रखोगे पेड़, मतलब जल जाएंगे, जल मर जाए। जाएंगे वो, आप खिड़की के पास रख सकते हैं, दे ऑल्सो लीड सनलाइट बट नॉट डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप बहुत खिड़की के बहुत नज़दीक रख रहे हैं तो थोड़ा सा थिन कर्टन डाल के उसके पीछे रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट आता है तो चलेगा, जैसा मनी प्लांट रहता है डायरेक्ट सनलाइट में तो पूरा जल जाएगा। हाँ पूरा जल जाएगा। तो आप पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, मतलब बड़ा पेड़ है उसके कैनोपी में नीचे लगा सकते हैं उसको, या फिर आपका गार्डन में बालकनी में वहां पे लगा सकते हैं। और आप पूछ रहे थे वास्तु के बारे में, वास्तु के बारे में जितना लोग मानते हैं उतना लोग मानते हैं, मैं बेसिकली नहीं मानता, बट इफ माई कस्टमर प्रिफर्स तो वो सब चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, फॉलो तो करते हैं एटलीस्ट बिल्कुल, उसके बारे में नॉलेज भी नॉलेज में ना है। तो हो गया। तो राजेश जी धन्यवाद।